Hello students, welcome Sudhiti Edu Talk online channel, and I want to read fourth lecture in mathematics relation and function chapter, and first topic be composite function and second be inverse function. This is the last topic. Then let us discuss composite function. First definition of composite function. Let f of a to b and g of b to c be two functions. Suppose कर लिया कि f of a to b and g of b to c be two functions. इसमें आप जानते हैं कि ये a सेट ऑफ डोमेन है ऑफ फंक्शन f एंड सेट ऑफ b को डोमेन ऑफ द फंक्शन f. और यहाँ भी ये डोमेन हो जाएगा और ये को डोमेन हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि b का जो को डोमेन है वो g का डोमेन है या सेट ऑफ डोमेन हो सकता है. ये नेसेसरी कंडीशन है. देन अ फंक्शन द गिवन सिंबल g ऑफ f, दिस सिंबल इज रीड एज g ऑफ f ऑफ a to c इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ g एंड f. This is also denoted by, this is also denoted by g of f is equals to g और ये bracket में f कर सकते g of f. तो इसको भी read करेंगे लेकिन इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है. तो आपको क्लियर हो गया कि ये फंक्शन इस तरह डिनोट करते हैं, दो फंक्शन हो, एक का डोमेन ए दूसरे का कोडोमेन, एक का डोमेन ए कोडोमेन बी और दूसरे का डोमेन बी और कोडोमेन सी. तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि फर्स्ट वाले का कोडोमेन या रेंज सेकंड के डोमेन का सबसेट होना चाहिए. ये नेसेसरी कंडीशन है. इसको डायग्रामेटिक भी डिस्कस किया जा सकता है. सपोज कर लो यहाँ एक सेट ए है, ये सेट बी है और यह एक सेट सी है. अब आप देखेंगे कि इसमें एक रिलेशन हो गया है एफ और इसमें यहां एक रिलेशन हो गया है जी. तो यहां क्या शोक हो रहा है कि एफ का डोमेन ए, एफ का कोडोमेन बी और फिर जी का डोमेन क्या हो गया है बी और जी का कोडोमेन हो गया है एफ. तो इसको लिख सकते हैं आप यहां पर एफ ऑफ ए टू बी और यहां पर लिख सकते हैं जी ऑफ बी टू सी. दिस मीन्स फ्रॉम ए टू सी जी ऑफ एफ वे ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ ए टू सी कह सकते हैं. यानी कि ये इसका डोमेन हो जाएगा जी ऑफ, मतलब कंपोजिट फंक्शन जी और एफ का क्या हो जाएगा, ये ए डोमेन हो जाएगा और सी कोडोमेन हो जाएगा. तो ये डिफिनेशन है कंपोजिट फंक्शन का. अब इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे तो काम बन जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट शुड बी नोटेड इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ जी
रेंज ऑफ जी, या ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। इसमें ये नेसेसरी कंडीशन है, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी इफ जी ऑफ एफ एग्जिस्ट, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट तभी करेगा जब किस क्या एफ का रेंज सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी का, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ इफ एफ ऑफ जी एग्जिस्ट। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन, सेकेंड प्रॉपर्टी, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस जी एंड एफ इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव रूल को होल्ड नहीं करता है, दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। याद रखना ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को ये होल्ड करता है, यानी कि दैट इज एसोसिएटिव लॉ क्या है, सपोज कर लीजिए थ्री फंक्शंस हो जी एफ एंड एच, देयरफॉर एफ ऑफ जी कंपोजिशन ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर जाएगा। दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज बी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एफ एंड जी बी टू फंक्शंस विच आर बाइजेक्टिव, सपोज कर लीजिए कि एफ और जी टू फंक्शन है और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन इट्स कंपोजिट कंपोजिशन जी ऑफ एफ, सॉरी कंपोजिशन जी ऑफ एफ, और ये भी कह सकते हैं एफ ऑफ जी आर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब क्या हुआ, अगर एफ फंक्शन 1 1 on 2 1 1 on 2 को ही बाइजेक्टिव बोलते हैं और जी भी 1 1 on 2 हो यानी कि बाइजेक्टिव हो, तो उसका कंपोजिशन चाहे जी ऑफ एफ करो चाहे एफ ऑफ जी करो, वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा, यानी कि 1 1 on 2 फंक्शन होगा। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन हो गया तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे, तो ये कंपोजिट कंप्लीट हो जाएगा और ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है। मैंने बोला ये एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और इसको आप केयरफुली सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को। नाउ सम एग्जाम्पल्स, लेट फर्स्ट एग्जाम्पल बी लेट अ फंक्शन एफ ऑफ 2 3 4 5 4 5 2 3 4 5 9। तो ये फंक्शन है एफ, तो एफ का ये डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन होगा, एंड सेकेंड फंक्शन भी जी ऑफ
3, 4, 5, 9, ये सेकंड फंक्शन इसका डोमेन है और इसका को डोमेन गिवेन है 7, 11, 15, ये इसका को डोमेन है। अब आप देखेंगे कि इसका कंपोजिशन पॉसिबल है कि नहीं, तो फर्स्ट वाले का जो को डोमेन है, को डोमेन यानी कि रेंज उसका सबसेट होता है, वो इसका, ये इसका सबसेट है, जी का सबसेट है, यानी कि जी ऑफ एफ कैन बी फाइंड, जी ऑफ एफ को फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो और भी वैल्यूज गिवन है, क्या गिवन है, डिफाइंड सच दैट क्या डिफाइंड है, f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equal to 5, and g of 4 is equal to 7, and g of 9 is equal to 11, then find g of f फाइंड करना है। तो g of f अगर आपको फाइंड करना है तो आप g of f केस का फाइंड कर सकते हो, a to c का। ये आपका सपोज कर लो कि ये फंक्शन, ये सेट a है, ये b है, और ये भी a हो गया और ये c हो गया, तो g of f किसका फाइंड करोगे, g of f फाइंड कर सकते हैं, सोल्यूशन इसका होगा, g of f फाइंड कर सकते हैं a to c का। अब a क्या है भाई, a देखो क्या क्या है, g of f, f a सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 4, 5, 2, c सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, 7, 11 and 15। अब आप इसका, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए g ऑफ, सबसे पहले ये सब की वैल्यू यही आएगा, आंसर तो यही हो गया, लेकिन ये कैसे आंसर होगा ये भी तो आपको चेक करना सिखाएंगे। देखिए ये कैसे आंसर होगा, ये देखिए, सबसे पहले आप g ऑफ f का 2 फाइंड कीजिए, फिर g ऑफ f का यानी कंपोजिशन का 2 के बाद क्या फाइंड करना है, 3 फाइंड कीजिए, फिर g ऑफ f का क्या फाइंड करना है, 4 फाइंड करना है, g ऑफ f का 5 फाइंड करना है। तो ये कहां से हम ये वैल्यू नोट कर रहे हैं, ये सब 2, 3, 4, 5, तो ये यहां से नोट कर रहे हैं, g ऑफ f का 2, 3, 4 and 5, ये सब वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे करते हैं, g ऑफ f और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब g f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास है क्या कहीं से, देखो इसमें जो गिवन वैल्यूज है यानी कि क्वेश्चन में, f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, तो ये g और f ऑफ 2 के प्लेस पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। अब आपका ये वैल्यू हो गया है g of 3 की वैल्यू आपको कहीं इसमें खोजना है, g of 3 की वैल्यू आपको इसमें मिल जाएगा 7। देखो आपका फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, वैसे ही आप इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, एक और निकाल करके सॉल्व करके दिखाता हूं, g of f of 3 कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने इसको इस तरह नोट करने का सिखाया था डेफिनेशन में। तो अगर आपको देखना है कि ये g है और f of 3 की वैल्यू कहीं मिलेगा इसमें, आपको f of 3 की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4, तो आपको g of 4 की वैल्यू कहीं से खोजना पड़ेगा इसमें, g of 4 मिल गया कितना, 7। चलो फर्स्ट से ये भी मैच करता है, वैसे ही ये कहीं 11 आ जाएगा और कहीं 15 आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू g ऑफ f की वैल्यू हो जाएगा 7, 11, 15। इस तरह आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ सेकंड एग्जांपल भी, सेकंड एग्जांपल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, सपोज कर लीजिए सेकंड एग्जांपल भी, लेट f ऑफ r to r का मतलब, r क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और ये भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसका मतलब इसका डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और को डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, एंड g ऑफ r टू r ये भी वैसा ही है, दो फंक्शंस गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि इसका को डोमेन यानी कि रेंज इसके डोमेन का सबसेट है, तब इसका कंपोजिशन पॉसिबल है। ये देखना पड़ता है कंपोजिशन पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है।
सच दैट, और भी कुछ वैल्यूज है, और क्या वैल्यू है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एफ एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी दे दिया है साइन स्क्वायर एक्स, देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करने को बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करो और जी ऑफ एक्स फाइंड करो, कैसे निकालोगे ये देखना होगा, यानी कि आपका कंपोजिशन की वैल्यू आपको दे दिया गया है, अब कंपोजिशन की वैल्यू के हेल्प से सेपरेट फंक्शन बताना है आपको, तो ऐसा करो कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये पहले यहां पर देखेंगे आप कि इसको जी एफ तो पहले से है ही है यहाँ पर, और ये जी ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ एक्स के को रखा गया है एफ के अंदर, और यहाँ पर उसका उल्टा एफ जी एफ एक्स को जी में रखा गया है, तो एफ एक्स को जी में रखा गया, यानी कि ये अगर एक्स स्क्वायर हो जाए, यहाँ ये साइन एक्स हो जाए, क्या साइन एक्स अगर हो जाए, किसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू और जी की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये होल्ड करेगा, क्योंकि आप जी एक्स को अगर साइन एक्स में एक्स के प्लेस पर रखेंगे तो ये क्या हो गया है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया है साइन एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स को स्क्वायर इसमें रखना है, तो ये जी एक्स की वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू के और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स हो जाएगा और जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप एफ एक्स को जी के अंदर रखेंगे, एफ एक्स को जी के अंदर रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन, और होल स्क्वायर है ही है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और उल्टा भी अगर देखें एफ ऑफ जी के केस में, तो अगर एक्स को यहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये एफ ऑफ जी की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक और कोई एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट फंक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड एग्जाम्पल है, देखिए इफ एफ ऑफ एफ कॉमा जी ऑफ आर टू आर, मतलब समझ गया इसका, एफ एंड जी दो फंक्शन है और दोनों के डोमेन और कोडोमेन सेम है, आर आर है, आर डिफाइंड रेस्पेक्टिवली, मतलब दोनों एक साथ रेस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स की वैल्यू है कितना एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एंड जी एक्स की भी वैल्यू है कितना, जी एक्स की वैल्यू है नोट कर लीजिए टू एक्स माइनस थ्री, देन फाइंड, बहुत सारी वैल्यू आपको लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ जी, सेकेंड वैल्यू जी ऑफ एफ, थर्ड वैल्यू एफ ऑफ एफ एंड फोर्थ वैल्यू जी ऑफ जी, सबको निकालना हो अगर आप तो कैसे निकालोगे, जी ऑफ जी है ये, तो सबसे पहले अगर मान लो कि आपको एफ ऑफ एफ निकालना है, आपको थर्ड क्वेश्चन इसमें करना हो एफ ऑफ एफ, तो इसको कैसे निकालोगे, इसके लिए क्या करोगे आप, एफ को दो बार लिख लो, एफ का ही एफ से कंपोजिशन निकालना है, तो क्या करोगे एफ एक्स को एक, तो एक बार लिख लिया मैंने एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और एक और बार एफ एक्स को लिख दो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन, अब दो बार लिख दिया तो एफ ऑफ एफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एफ एक्स लिखना पड़ेगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, करिए ये एफ एक्स की वैल्यू जहां भी दिख रहा है एक्स, ये एफ एक्स है ना, यही एफ एक्स है, आपको इस एफ में पुट करना है, ये एफ में दूसरे एफ में फिर से पुट करना है, तो ये जो वैल्यू होती है आपको रखना है इसमें, जहां जहां आपको एक्स दिखे सब में वैल्यू पुट करना है, तो कैसे रखोगे, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन होल क्यूब, ये किसके प्लेस पर रख दिया आपने, एक्स के प्लेस पर रख दिया, होल क्यूब है ही है प्लस थ्री, और फिर यहां भी एक्स है तो क्या रखेंगे आप,
एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन रख देंगे, ठीक है। अब रखने के बाद और फिर प्लस वन है तो यहाँ पर प्लस वन कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो एफ ऑफ एफ निकल जाएगा। वैसे ही आपको जी ऑफ एफ निकलना है तो यहाँ जी लिख देना और यहाँ पर एफ लिख देना तो जी ऑफ एफ निकल जाएगा, और फिर एफ ऑफ जी भी निकलना है तो वैसे ही निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है एफ ऑफ जी, जी ऑफ जी, जी ऑफ एफ, ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इनवर्स फंक्शन डिस्कस करूंगा। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेट एफ ऑफ ए टू बी, इस तरह लिखने का क्या मतलब, मैंने कई बार बताया आपको, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। बी वन वन एंड ऑन टू, वन वन और ऑन टू कोई फंक्शन हो जाए, उसको क्या नाम रखते हैं आप लोग, बाइजेक्टिव, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले एक इसका नेसेसरी कंडीशन ये है कि इन्वर्स होने के लिए वन वन ऑन टू फंक्शन होना जरूरी है, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। वन वन ऑन टू फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, अ यूनिक फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन g ऑफ b टू a इज कॉल्ड, इज कॉल्ड द यूनिवर्स, द इनवर्स ऑफ f ऑफ a टू b एंड दिस इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई एफ इनवर्स, दैट इज जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ इनवर्स, ठीक है। बात समझ में आई। अगर कोई फंक्शन हो ए टू बी, ए टू बी यानी कि ए डोमेन और बी को डोमेन, ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि ये वन वन एंड टू होना चाहिए, वन वन एंड टू यानी कि बाइजेक्टिव होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन। ये यूनिकनेस है इसका, क्या यूनिकनेस है, वन वन एंड टू होना, यूनिक फंक्शन जी ऑफ बी टू ए इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, प्रीवियस फंक्शन, ठीक है। और दिस इनवर्स इज डिनोटेड बाई, अगर जी इनवर्स है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स, ठीक ना। देयरफॉर इफ एफ ऑफ ए टू बी, देन एफ इनवर्स ऑफ बी टू ए, ऐसा भी कह सकते हैं, ये इनवर्स फंक्शन का है। अब आप इसको डायग्रामेटिकली भी इसको समझ सकते हैं। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि अगर ए, एफ का डोमेन ए है और कोडोमेन बी है तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। रिवर्स ऑर्डर में मतलब यानी कि क्या रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है कि ये जो कोडोमेन है डोमेन बन जाता है इनवर्स में, और डोमेन कोडोमेन बन जाता है या कोडोमेन रेंज। अगर वन वन एंड टू है तो इसमें आपको पहले भी एक और बात पता है कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। एक और एक्सप्लेनेशन, इफ अब दो सेट ले लो, इफ ए एंड बी, इफ ए इज इक्वल टू से सपोज कर लो ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल्स टू P Q R S, आपने दो फंक्शन सपोज कर लिया A एंड B और दोनों में इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि 1 1 एंड 2 आप बता रहे हैं, 1 1 एंड 2 होने के लिए क्या नेसेसरी है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल, 1 1 भी होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोडोमेन। अब देखिए, अब आप पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए, ये सेट A है और ये सेट B है और ये F से रिलेटेड है।
तो यहां पर क्या होगा ए बी सी डी आप देख रहे हो यहां पर, और यहां क्या है पी क्यू आर एस है, तो ए रिलेटेड टू पी, बी रिलेटेड टू क्यू, सी आर और डी एस से रिलेटेड है, तो एफ फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या क्या ऑर्डर पेयर होंगे, ए रिलेटेड टू पी है, देख लीजिए है ना, ए रिलेटेड टू पी, बी रिलेटेड टू क्यू, सी रिलेटेड टू आर एंड डी रिलेटेड टू एस, तो ये हो गया फंक्शन। अगर इसका इनवर्स लिखना हो आपको तो ये हो गया आपका उल्टा हो जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू आर एस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी, तो आप देखेंगे कि पी रिलेटेड टू, अब ये रिलेशन क्या होगा एफ नहीं होगा, क्या होगा एफ इनवर्स होगा, तो ये उल्टा हो गया, तो ये हो गया Q रिलेटेड टू B, R रिलेटेड टू C एंड S रिलेटेड टू D, दिस मीन्स F इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा P रिलेटेड टू A, दिख रहा है सबको, P रिलेटेड टू A, Q रिलेटेड टू B, R रिलेटेड टू C एंड S रिलेटेड टू D, तो ये इस तरह का क्या हो गया फंक्शन हो गया, और इस तरह का इनवर्स फंक्शन को रिलेट कर दे, इसके भी एक दो प्रॉपर्टी होती है उसका भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी से ही मेन क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है किसी एक्सरसाइज में किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसकी प्रॉपर्टी उसका से रिलेटेड ज़्यादा उसका पार्टिसिपेशन रहता है। जब सपोज कर लेंगे इस प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट बी एफ ऑफ एफ इनवर्स कोई निकाले, एफ ऑफ एफ इनवर्स कोई निकाले तो क्या होगा कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो ये क्या आएगा जानते हो, ये एक्स आ जाएगा कभी भी। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एफ अगर निकाले तो भी एक्स आ जाएगा, यानी कि किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स का अगर कंपोजिशन निकाले, कंपोजिशन को पहले हम लोग डिस्कस कर लिए हैं इसलिए मैं फिर से उसकी बात कर रहा हूँ कि कंपोजिशन अगर उसके फंक्शन और उसके कंपोजिशन का और उसके इनवर्स का अगर फंक्शन निकालते हैं तो एक्स आ जाता है, एक्स मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। और या ऐसा भी कर सकते हैं एक फिनर्स को पहले रखें और एफ को बाद में रखें तब भी एक्स ही आएगा, तो ये एक्स किसकी वैल्यू होगा, किसका डोमेन होगा, ये किसका होगा बी का होगा, एफ किसका होगा बी से सेट का होगा, और दूसरे वाले में एक्स किसका एलिमेंट होगा ए का होगा। ये समझ पाया कि नहीं आप लोगों ने, नहीं समझे हो तो फिर से देखो, यहाँ पर छोटा सा नोट समझाता हूँ, ये एफ ए टू बी था ना, और यहाँ एफ इनवर्स बी टू ए है, तो इसमें एफ का डोमेन क्या है ए है, तो उसी तरह इसको आप लिखेंगे एफ ऑफ एफ इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं आप जैसा कि मैंने बताया है। तो ये एक्स किसके साथ है, एक्स किसके साथ है एफ इनवर्स के साथ है, तो ये एक्स किसका होगा एफ इनवर्स का होगा, और एक्स एफ इनवर्स का होगा तो एक्स किसको बोलते हैं डोमेन को बोलते हैं, तो एक्स इनवर्स का डोमेन, एफ इनवर्स का डोमेन क्या होगा बी होगा, इसलिए ये एक्स किसका होगा बी का होगा। फिर से समझो, अगर एफ ऑफ एफ इनवर्स करे तो ये एक्स एलिमेंट होगा सेट बी का, और एफ इनवर्स ऑफ एफ करे इज इक्वल टू एक्स है तो ये एक्स किसका एलिमेंट होगा ए का। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं एफ इनवर्स ऑफ ए टू बी, सॉरी एफ ऑफ ए टू बी, तो एफ इनवर्स हो जाएगा बी टू ए, होता है ना। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, अब ये समझ गया कि ए एफ का डोमेन है तो यहाँ बी एफ इनवर्स का डोमेन है, ये भी क्लियर है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि एफ ऑफ एफ इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं, एफ ब्रैकेट में एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, पहले मैंने कंपोजिशन में बताया था। अब आपको ये देखना है कि ये एक्स किसके साथ है, एक्स किसके साथ है एफ इनवर्स के साथ है, तो एक्स किसका होगा एफ इनवर्स का होगा, यानी एक्स किसका डोमेन होगा एफ इनवर्स का होगा, इसलिए एफ इनवर्स का ही डोमेन एक्स होगा, तो एफ इनवर्स का डोमेन यहाँ पर क्या है बी है, तो ये एक्स बी का एलिमेंट होगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं एफ इनवर्स और ये ऑफ एफ है तो इसको ब्रैकेट में एफ एक्स लिख देंगे। अब आपको ये देखना है कि ये एक्स किसके साथ है,
f के साथ है, यानी x किसका होगा, f का होगा, x यानी कि x किसका डोमेन है, f का होगा। तो x का डोमेन क्या है, f का डोमेन क्या है, a है, इसलिए x इज द एलिमेंट ऑफ a। अब दूसरे वाले में देखेंगे, इसमें मैंने लिखा था कि f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू x है, तो x बिलोंग टू a कर दिया। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि f इनवर्स है तो यहाँ f है तो ये f x कर सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन में मैंने बताया था ऐसा लिखा जा सकता है। अब आपको ये देखना है कि ये x किसके साथ है, x किसके साथ है, f के साथ है, तो ये x किसका डोमेन होगा, f का, और f का डोमेन मुझे पता है यहाँ पर क्या, a, दिस मीन्स x बिलोंग्स टू a। तो इस वजह से, इस तरह से हमने f ऑफ f इनवर्स और f इनवर्स ऑफ x दोनों की वैल्यू x ही होता है, लेकिन दोनों में x डोमेन अलग अलग सेट के होते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी भी, f ऑफ g ये कोई फंक्शन है, उसका कंपोजिशन हमने निकाल लिया और उसका कंबाइंड इनवर्स निकाला हमने, तो वो वैल्यू हो जाएगा g इनवर्स ऑफ f इनवर्स हो जाएगा। जब भी कंपोजिशन निकालते हैं तो ये देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, ये रिवर्स हो जाता है, कन्वर्स हो जाता है, यानी कि अगर f ऑफ g होगा तो ये सेकंड वाला जो सेकंड फंक्शन है उसको पहले लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन को बाद में लिखेंगे। इन जनरल इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, कैसे जनरलाइज करेंगे, f ऑफ g ऑफ h ऑफ t, मैंने बहुत सारा फंक्शन ले लिया और सबका क्या निकालना है, हमको इनवर्स निकालना है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है h इनवर्स, फिर उसके बाद क्या है g इनवर्स, और उसके बाद क्या है f इनवर्स। तो ये रिवर्स ऑर्डर में होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन हो गया, इसको थोड़ा ग्राफिकली भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ग्राफ से, ग्राफिकली सबको पता होना चाहिए क्योंकि ग्राफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को इजीली समझने के लिए। इसके लिए लिख लो द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x, किसका ग्राफ, f इनवर्स फंक्शन का, ऑफ f x इज द मिरर इमेज, इमेज मिरर इमेज टू ईच अदर अबाउट y इज इक्वल द लाइन, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। अगर किसी फंक्शन f का के हेल्प से f इनवर्स निकालना है, f इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप उसके ग्राफ को एक लाइन ड्रॉ कर देंगे y इज इक्वल टू x और उसका मिरर इमेज ले लेंगे, दूसरी तरफ बन जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो एग्जाम्पल से पहले ये पता करें कि इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं। पहले आप ये जान लीजिए हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स आप कैसे निकालेंगे ये देखना होगा आपको, ठीक है। सपोज कर लो कोई फंक्शन हो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ वन वन या इज अ बाइजेक्टिव। आपको बता दिया गया कि बिना बाइजेक्टिव कंडीशन होल्ड किए वन वन इनवर्स निकालना मुश्किल है, नहीं निकाल पाएंगे, इम्पॉसिबल है, मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालने का तरीका है, तो ये क्लियर हो ही गया कि वन वन एंड टू है यानी कि बाइजेक्टिव है, तो कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स है। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू y के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इंटरचेंज, क्या इंटरचेंज करना होगा, x टू f इनवर्स x
and y को किस में इन्वर्स करना है, चेंज करना है x में, तो इस तरह आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो ये फंक्शन है ही है आपका ये, तो पहला काम क्या है आपका, x को y के टर्म में इन्वर्स कर, कैसे करेंगे, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये x हो गया, तो इसमें x की वैल्यू आ गया कितना, वाई स्क्वायर। तो पहला काम फर्स्ट स्टेप में जो काम था वो हो गया, x की वैल्यू y के टर्म में निकालना था, तो यहाँ पर x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दिया आपने। अब x को किस में कन्वर्ट करना है आपको, एफ इनवर्स x में, और y को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए जरूरी है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप देख रहे हो कि x कहाँ पर है, रूट के अंदर है, अगर x रूट के अंदर है तो x की वैल्यू ऑल रियल नंबर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, तो ये क्वेश्चन में ये भी मेंशन रहेगा, आप कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें ये मेंशन रहेगा। तो आपको मैंने बताया कि x को किस में कन्वर्ट करना है आपको, f इनवर्स में, और y को किस में कन्वर्ट करना है, x में, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो आपने x इनवर्स निकाल लिया। अब इसी को ग्राफ से अगर आप समझे, ग्राफ से देखिए इसको कैसे ग्राफ से निकाल सकते हैं हम लोग, इसको ग्राफिकली देखेंगे, अगर ग्राफिकली फाइंड f इनवर्स ऑफ f x इज इक्वल टू रूट एक्स, चलो इसको देखेंगे, फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसको कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ आपको पता है, वो ऐसा होता है y इज इक्वल टू रूट एक्स। अगर इसका f इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे आप, एक लाइन ड्रा करेंगे, एक कौन सी लाइन ड्रा करेंगे, y इज इक्वल टू x की, मैंने बताया था कि जब भी आपको ग्राफ से इनवर्स निकालना है तो आपके फंक्शन का ग्राफ तो है ही है ये, अब अगर इसका इनवर्स निकालना है तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे, किसका, किसके अबाउट, y इज इक्वल टू x का, y इज इक्वल टू x का जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, किसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा एफ इनवर्स का, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी, कहाँ से मिली, यहाँ से मिली, आप जानते हो कि इसका ग्राफ यही होता है एक्स स्क्वायर का, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो देखो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, एफ इनवर्स को भी तो वाई ही कह सकते हैं, अब इधर क्यों नहीं बनाएंगे इसका, इधर इसका नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते इसका फिगर, क्योंकि इसमें बताया गया है कि x ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए y भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, तो ये ग्राफिकली एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखते हैं एग्जांपल जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, एक दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑन इनवर्स फंक्शन, सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ f ऑफ r टू r इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो आपने सपोज कर लिया बाइजेक्टिव फंक्शन है और एफ एक्स की भी वैल्यू आपके पास है कितना, एक्स क्यूब प्लस थ्री, तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है, एफ इनवर्स एक्स, तो कैसे फाइंड करूँगा, अभी मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको वाई लेट कर लेना, कर लिया, अब आप फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में बताना है, तो कैसे निकालेंगे, इस थ्री को पहले इधर लेकर आ जाओ, इधर एक्स क्यूब हो गया, अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूब को इधर लेकर आ जाओगे, तो ये y माइनस थ्री का कितना पावर हो जाएगा, 1 बाई थ्री, इधर क्या बच गया, x, यानी आपने x की वैल्यू निकाल लिया, कितना, y माइनस थ्री होल पावर 1 बाई थ्री, अब आपको f इनवर्स निकालना है, कैसे निकालोगे, x को कन्वर्ट करना पड़ेगा f इनवर्स x में और y को कन्वर्ट करना पड़ेगा x में, तो आपका ये f इनवर्स निकल गया, समझ में आ रहा है f इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, तो ये इजी मेथड होता है एफ इनवर्स निकालने का, ठीक है। अब आप इनवर्स खत्म हो गया, ये टॉपिक भी खत्म हो गया है, लेकिन अभी
एक छोटा सा टॉपिक रह गया है रिलेशन फंक्शन में से, इक्विवेलेंस रिलेशन में, वो एक लाइन का, क्योंकि वो एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन उस पर इस बार एक क्वेश्चन दिया था इक्विवेलेंस क्लास, पिछले साल भी दिया था, तो इसलिए उस पर क्वेश्चन कैसा आएगा और ये क्या टॉपिक है ये डिस्कस कर लेते हैं। बस 2-3 मिनट का टाइम है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, और उस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, हो जाएगा। क्लास लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ रिलेशन, या आर बी अ बी एन इक्विवेलेंसेस, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास के लिए इक्विवेलेंस सेट रिलेशन भी होना जरूरी है। इक्विवेलेंस रिलेशन, सपोज कर लिया आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, सच दैट कोई एक एलिमेंट सपोज कर लिया मैंने वो ए का है, देन इसको इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं कि इसको लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, बहुत सारे मेथड से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास यानी एक्स से रिलेटेड एक वाई होगा एंड आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, दोनों एक्स वाई ए से ही रिलेटेड होगा। अब ये तो डिफिनेशन हो गया, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तभी होगा, क्वेश्चन कैसा आता है ये देखना होगा, क्योंकि डिफिनेशन से कोई समझ नहीं आता है उतना, लेकिन अगर क्वेश्चन आप कर लें तो क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, लेट कोई एक सेट ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने कोई सेट ले लिया, ठीक है, और इसमें कोई इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया, आर कोई रिलेशन ले लिया, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 2, 2, 1, 4, 5, 5, 4, तो आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, पहले ये डिसाइड करें। जब तक इक्विवेलेंस नहीं होगा इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकल सकता है। देख लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास में 3 चीज़ें होल्ड करना चाहिए, कि वो रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव में सभी इक्वल सेट वाले होने चाहिए, वो है, फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक होना चाहिए, तो देखिए सिमेट्रिक है, 1, 2 से रिलेटेड है, 2, 1 से भी रिलेटेड है, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, 1, 1, 2 से रिलेटेड है, और 2 देखिए यहाँ पर 1, 2 से रिलेटेड है, और 2, 2 से रिलेटेड है, और 2 फिर 1 से रिलेटेड है, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब आपको देखना है, इसमें निकालना है आपको इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास अगर निकालना है, क्लास ऑफ, पहले इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालना है, 1 का, सभी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास अलग अलग निकल सकता है, 2 का भी निकल सकता है, 3 का भी निकल सकता है, 4 का भी निकल सकता है, 5 का भी निकल सकता है, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, कि 1 कितने किस किस से रिलेटेड है, इसमें 1 आपका देखेंगे किस से रिलेटेड है, 1 से, और कहीं 1 किसी से रिलेटेड है, 1, 2 से भी रिलेटेड है, तो ये हो गया, और कहीं 1 से रिलेटेड है नहीं। अब देखना होगा कि 2 किस किस से रिलेटेड है, यानी कि ये जो 1 है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अब ये 2 किस से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, फिर 2 और किस से रिलेटेड, 2, 1 से भी रिलेटेड है, तो ये हो गया, तो ये 2 बार आ गया, तो 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिख देंगे तो चलेगा। अब आप 3 का इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे आप, तो 3 किस से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, और किसी से रिलेटेड है, 3 नहीं, बस इतना ही हो गया। 4 किस से रिलेटेड है, 4 देखना होगा किस से रिलेटेड है, 4 केवल 5 से रिलेटेड है, और 4, 4 से भी रिलेटेड है,
और 5 किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है, 4 से भी रिलेटेड है। तो आप 5-4 लिखिए चाहे 4-5 लिखिए, बात एक ही है, ऑर्डर कोई चेंज नहीं कर, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेट की ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिया। अब इस पर और भी क्वेश्चन आते हैं, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो इस तरह का होता है, एक और टाइप का इसमें ऐसा भी पूछ सकता है, वो भी देख लीजिए इसी से। ये तो फर्स्ट टाइप से इक्विवेलेंस क्लास पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है पार्टीशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, सेकेंड में पूछ सकता है पार्टीशंस ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, यानी मान लो कि ये P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है। तो आप देखेंगे कि पार्टीशन इसी को बोलेंगे कि ये 1-2 कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, ये दो जगह है और कहीं 1-2 नहीं है, तो एक तो पार्टीशन हो गया आपका 1-2 और एक पार्टीशन हो गया 3 और एक पार्टीशन हो गया 4-5, जो रिपीट कर रहे हैं उसको नहीं लिखेंगे। तो ये पार्टीशन हो गया आपका, ठीक है, पार्टीशन निकाल लेंगे। और दूसरा एक और थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, इफ पार्टीशंस गिवन है, कौन कौन पार्टीशंस गिवन है, मान लो कोई पार्टीशन गिवन हो 1-2-3, ये P1 है, ये P1 की वैल्यू है, दूसरा पार्टीशन गिवन है 2-3, दूसरा पार्टीशन है 2-3, और आपसे पार्टीशन गिवन रहेगा और आपसे पूछा जाएगा तब रिलेशन बताओ। पहले वाले में रिलेशन गिवन है तो पार्टीशन निकाला आपने, रिलेशन गिवन है तो इक्विवेलेंस क्लास निकाला, इक्विवेलेंस क्लास से पार्टीशन निकाला। अब आप पार्टीशन गिवन है तो आपसे पूछा जाए फाइंड रिलेशन। रिलेशन फाइंड करने को जब भी बोला जाएगा तो R की वैल्यू निकालने के लिए P1 क्रॉस P1 कर दीजिए और P2 क्रॉस P2, ऐसे ही जितने रहेंगे सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा। और एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, अगर मान लो कि A सेट में कोई N एलिमेंट्स हैं, ठीक ना, तो आपका ये फार्मूला होगा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस इक्विवेलेंस क्लास, वैलेंस क्लास 1 होगा और मैक्सिमम हो जाएगा n। ये भी एक फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, देयरफॉर रिलेशन फंक्शन इज कंप्लीटेड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।